हर इंसान जिनसे सरे बाजार बन जाता है। इलेक्शन है, हम किसे वोट दें, उस वोट के सिले में हमें क्या मिलेगा है? खूब कीमत लगाई जाती है इंसानों की, और उस मौके पर मुझे ये बात एक बार हिंदुस्तान में भी कह चुका हूँ, वो जुमला याद आ गया। इलेक्शन ही का ज़माना था, तो मैंने कहा कि देखिए कीमतें तो लगेंगी आपकी, कीमत लगने दीजिए, मगर हजरत अमीर खुसरो का जुमला का मिसरा याद रखिएगा कि नर्ख बाला कुन के अर्जानी हनू। अपनी कीमत और बढ़ाओ, अभी बहुत सस्ते हो। पहला मिसरा भी गालिबन ये है कि हर दो आलम कीमत खुद गुप्त ही, क्या दोनों जहान को तुमने अपनी कीमत लगाया है? नर्ख बाला कुन के अर्जानी हनूस, और कीमत बढ़ाओ, बहुत सस्ते हो। हजरत अमीर खुसरो आलम तसव्वुफ के मशहूर शायर हैं, जितनी दरगाहें हैं औलियाउल्लाह की उन दरगाहों पर उनकी आरिफाना गज़लें पढ़ी जाती हैं, उन्हीं का ये शेर है कि अपनी कीमत बढ़ाओ, दोनों आलम को तुमने अपनी कीमत बताया है, दोनों आलम को अपनी कीमत बताया है तुमने, ये भी बहुत कम कीमत है। नर्ख बाला कौन, और कीमत बढ़ाओ कि अरजानी हनूस, अभी बहुत अरजा हो, बहुत सस्ते हो, इतनी कम कीमत न लगाओ अपनी। तो ये बात तो अमीर खुसरो ने कह दी, मगर अमीर खुसरो के जहन में ये बात आई कहाँ से? इंसान की कीमत, कीमतें उस ज़माने में भी लगती थी, बादशाहों के दरबारों में मनासिब हासिल करने के लिए खूब कीमतें लगती थी। इंसान हमेशा जिनसे सरे बाजार बना रहा, और जो नहीं बना वही सरफराज हुआ। हमेशा इंसानों की कीमत लगाई जाती रही और हमेशा इंसान बिकता रहा, लेकिन जिसने खुद को बिकने से बचा लिया वही सरफराज हुआ। और पूरी तारीख बशरियत में देखिए, वो बहुत थोड़े से लोग हैं जो ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हम जिनसे सरे बाजार नहीं है, बहुत कम लोग। अमीर खुसरो, और अगर कीमत लगती भी है तो आम तौर पर कितनी लग जाती है भाई? रुपए में आप गिन सकते हैं, गिन लेते हैं आप, रुपए में गिन लीजिए या डॉलर में गिन लीजिए या पाउंड में गिन लीजिए, सोने की अशरफियों में गिन लीजिए, दिरहमों में गिन लीजिए, दीनारों में गिन लीजिए, या अभी किसी ने एक जुमला कहा बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा इस्तेआरा है,
कि यार रे की गवर्नरी में अपनी कीमत लगा ली थी। रे की गवर्नरी में जो इंसान बिका था वो मामूली नहीं था आम तारीख के लिहाज से, हमारे लिहाज से तो कुछ भी नहीं था, आम तारीख के एतबार से वो मामूली नहीं था। सहाबी भी था और सहाबी ज्यादा भी था, बड़ी तकलीफ दे तारीख है ये। मगर उसने अपनी इज्जत इंसानी, आजमत इस्लामी, अपनी शिकोह ईमानी और इफ्तिखार सहाबियत सब कुछ रे की गवर्नरी की कीमत पे बेच दिया है तारीख। तो इंसान की तारीख तो, इंसान की कीमत तो गिनी जा सकती है, लेकिन वो कीमत गिनी जा सकती है जो इंसान खुद अपनी कीमत लगा ले। कुरानी विजन रखने वाली हस्तियाँ वो जब इंसान की कीमत बताती हैं तब अमीर खुसरो के दहन में ये ज़बान आती है। मालूम है ना, मैंने इसीलिए कहा कि अमीर खुसरो मेरी ज़बान हो सकता है कदरे मुश्किल हो, लेकिन काश ये बच्चे हमारे सामने जो मासूम बच्चे बैठे हुए ये भी समझ लें कि ये इंसान है और इंसान की कितनी अजीम कीमत होती है। अमीर खुसरो मैंने अभी अर्ज़ किया कि तसव्वुफ़ के शायर हैं, इरफान के शायर हैं। तसव्वुफ़ और इरफान का खसूसियत के साथ वो सिलसिला जिससे अमीर खुसरो मुंसलिक थे, वो सिलसिला पहुँचता कहाँ तक है, वो उस इंसान ने कामिल तक पहुँचता है जिसकी कीमत कोई लगा ना सका, जिसकी कीमत अगर लगाई तो खुदा ने अपनी मर्जी देकर। ये बात भी ना हदीस से अर्ज कर रहा हूँ ना तारीख से, क्या आप तारीख को झुटला सकते हैं, हदीस का इनकार कर सकते हैं, मगर कुरान की आयत को आप क्या करेंगे। वमन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कुरान मजीद की आयत है। वो कौन है वो इंसान, कौन है वो इंसान के जो अपने नफ्स को बेचता है और मर्जी है इलाही। कुरान है, कुरान जो कह रहा है वो कौन है, वो इंसान कामिल कौन है, वो बशर कौन है, वो फर्जंद आदम कौन है, वो आदम नूरी